एवरीवन, दिस इज़ नेहा फ्रॉम राजकुमारी ड्रेस अप्लाई द प्रिंसेस टीम। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जिससे कि कई सारे बिजनेस ओनर्स को जिन्होंने अपना स्मॉल बिजनेस अभी स्टार्ट किया है तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपने वीडियो का टॉपिक में देखा ही होगा, मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्टेंट क्रिएशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। तो अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व किया हुआ है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट मुझे लगा वो कंटेंट क्रिएशन है, कि आप मतलब अपने बिजनेस को अच्छी तरह से शोकेस कर सकते हैं कंटेंट के जरिए। तो अगर हम कुछ अच्छे बिजनेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैंने अभी देखा, रिसेंटली नोटिस किया कि जोमेटो ने भी यूट्यूब पर अपना एक चैनल कंटेंट क्रिएशन के लिए खोल रखा है, जबकि वो एक फूड डिलीवरी ऐप है और उसे क्या ज़रूरत है कंटेंट बनाने की। बट यही एक तरीका होता है कि हम अपने कस्टमर को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं और हम उन्हें दिखा सकते हैं कि किस तरह से क्या प्रोसेस होती है पूरे एक प्रोडक्ट को बनने की, और हम किस तरह से पैकेजिंग करते हैं, कैसा हमारा ऑफिस है, कैसा टीम वर्क है, कौन कौन हमारी टीम में काम करता है। तो इन चीज़ों को दिखाने से क्या होता है कि आपकी और बिजनेस की एक कस्टमर के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है और वो इजीली ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैंने ऐसे पेजेस देखे हैं जो कि सिर्फ कंटेंट बना बना करके उन्होंने इतना ज़्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट कर लिया है आज की डेट में, और वो अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, मतलब करोड़्स में उनके टर्नओवर उनका करोड़्स में है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी मैंडेटरी। मैं ये नहीं कह रही कि आप फालतू का कंटेंट बनाओ, जो इररिलीवेंट कंटेंट बनाओ, बट हाँ जो भी चीज़ें आपके बिजनेस से रिलीवेंट है और जो भी मतलब आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं तो उनके लिए कंटेंट जरूर बनाओ। छोटे छोटे से वीडियोस बनाओ या फिर आप लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस भी बना सकते हैं। आप इसके ऊपर गौर मत करो कि मेरे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, व्यूज से हमें कोई इनसे लेना देना नहीं होता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो लोग व्यू करेंगे ही, अगर नहीं भी लगेगा तो इससे आप अपनी एक अपनी सारी प्रोसेस को एक रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, इससे आप कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो सब भी एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करने का और अपने ऑफिस को दिखाने का, अपने वर्क कल्चर को दिखाने का। तो मेरे हिसाब से हम सभी को, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो उन्हें इस एक पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा वर्क करना चाहिए और कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। रिलीवेंट कंटेंट को क्रिएट करिए आप लोग, और व्यूज़ पे मत जाइए कि व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बस हमें अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करना है, हमें एक कस्टमर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है अपने कंटेंट के जरिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट और जानकारी भरी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ में अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजकुमारी, एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।